अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भूत! अरे क्या कर रही है? हम तुम्हारी अम्मा है अम्मा। हाँ अम्मा हो, लेकिन अम्मा ये रज्जो जैसा। अरे क्या रज्जो रज्जो, वे जो कभी थी नहीं उसका भूत यहाँ कैसे आएगा? अच्छा ये बता तू किस काम आई है? अरे हम कब से ढूंढ रहे हैं, पति जी को मिल ही नहीं रहे। और अम्मा ये फोन तुम्हारे कमरे के बाहर मिला हमको। अरे तो गिर गया होगा हाथ से। अरे हाँ काफी देर से हमने भी नहीं देखा जमाई बाप को। माँ माँ चलो। अभय तुमने अपने जीजा जी को देखा है कहाँ? हाँ दीदी वो तो जुबली भैया के साथ फैक्ट्री गए ना। फैक्ट्री? और ये फोन तो अम्मा के कमरे के बाहर मिला हमको। अरे इसे तो मैं ढूंढ रहा था, उन्होंने मुझे दिया था इसको ठीक करवाने के लिए। मैं लेकर जाता हूँ। ले, होगी बात? हाँ ठीक है। चलिए माँ सब बंदोबस्त हो चुका है, आपको बस खाई के पास रज्जू की लाश बंद कर रहना है। हाँ। मिट्टू ने अपने बयान में वही जगह बताई थी जहाँ से रज्जू की लाश को ठिकाने लगाया था, और अगर वहां रज्जू की लाश मिल गई ना माँ तो बिंदिया पूरी तरह से फंस जाएगी। नहीं नहीं आज हम नहीं आ पाएंगे। हाँ बस बाहर निकालो मुझे। अरे खोलो भाई, खोलो, बचाओ कोई। अरे खोलो, कोई है क्या? बाहर निकालो, हम ही खोल देते हैं। पति जी आप यहाँ? अरे उठिए, अरे उठिए, कहाँ सो जाते हैं आप भी? ये कोई सोने की जगह है क्या? अरे इनको कहाँ हो गया? पति जी क्या हुआ लल्ला? लगता है गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है लल्ला, हम फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेते। नहीं नहीं माँ, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए इस प्लान की। अभी बस आधा किलोमीटर पीछे एक मैकेनिक की दुकान गई थी, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है ठीक। खिड़की खुली छोड़ता हूँ, हवा आती रहेगी, आप यहीं बैठिए। हाँ जल्दी आना। सीएम मैडम बाहर आएंगे, चलिए बाहर निकलो। इसे मत चलाइए। आते आते बहुत समय से सीएम मैडम को मारने का प्लान कर रहे थे हम लोग, लेकिन किसने सोचा था कि हमें सीएम मैडम खुद इतनी आसानी से बीच सड़क पे मिल जाएगी, और वो भी सिक्योरिटी के बिना। अब हम इत्मीनान से सीएम का मर्डर कर सकते हैं और इनाम पा सकते हैं। सोचो बर्फी देवी, वरना ये लोग तुम्हें यहीं ढेर कर देंगे। लल्ला भी कहीं नहीं दिख रहा दूर दूर तक। चलो मारने से पहले सीएम मैडम की जय। सीएम? कौन सीएम? काहे बोल रहा है सच छोरा? मैं तो रज्जू हूँ। बेवकूफ मत बना, हमने न्यूज में देख लिया था कि बर्फी भारद्वाज जैसी दिखने वाली एक औरत का खून हो गया है, और उसकी बहू ने ही किया था ये। वो सब हमारा प्लान था। अरे वो जो औरत मरी ना वो असली सीएम थी। और रे छोरा तू जिस सीएम को मारने आया है ना वो तो परलोक सिधार गई है। हाँ और उसके ऊपर मैंने ही पहुँचाया से उसकी सकल मारे से मिलती है ना ई वास्ते। और देख खुद सीएम बनकर बैठ गई। ससुर जी। अरे हुआ का दामाद बाबू? सासू माँ। अरे वो गई है अभय के साथ खाई की तरफ, काहे ना कुछ देर के लिए वो रज्जू की डेड बॉडी की एक्टिंग करेगी। हमारे साथ धोखा हुआ है ससुर जी। का? साले साहब और बिंदिया आपस में मिले हुए हैं और वो दोनों सासू माँ को फंसाने का प्लान बना रहे हैं। क्या बात करो? कुछ कीजिए इससे पहले सासू माँ अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार ले। आप कुछ कीजिए। चलिए चलिए हम कैसे मान ले की तू रज्जू है? अरे मारी हरियाणवी नहीं सुनाई दे रही तेरे को? अरे मारा नाच देखा सा? सटके तू कोरोना सीन को भा...
यकीन आ गया ना तेरे को कि मैं रज्जो सू? सीएम मर चुकी है रे, अब तो मारे को जाने दे, पीसा दूंगी पीसा। अब तो सीएम की तिजोरी मारी है, बहुत पीसा दूंगी, पीसा की चिंता ना कर तू। पक्का तू रज्जो है? रे कितनी बार बोलूं, रे मैं ही रज्जो सू, रे मैंने ही सीएम को मारा से और उसकी जगह ले ली से, और उसके खून का इल्जाम ना मैंने बर्फी की बहू बिंदिया के सर पर मंड दिया। अरे किसी को भी नहीं पता कि मैं रज्जो सू, रे बर्फी का खून किया है मैंने रज्जो ने। सासू माँ, बर्फी कुछ मत बोलना, बर्फी कुछ मत बोलना, बर्फी चुप। गैल बसिया पानी में, छोड़ी हमने किसी का खून नहीं किया। विद्या जी का कहना सही था, तुमने सीएम का खून किया और उसकी जगह ले ली रज्जो। हम तुम्हें सीएम बर्फी भरद्वाज के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। हमने तुम्हारा सारा कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया। देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।